जी हाँ साथियों नमस्कार आप सभी का स्वागत है बिहार अटा ट्वेंटी फोर सेवन पर मैं मनीषा सुबह सात बजे की जीके जी की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ आपकी जो क्लास है एकदम नई क्लास है यानी कि आपकी पॉलिटेक्निक आईटीआई की क्लास है जो कि बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है उम्मीद करता हूँ की क्लास आपको बहुत ही पसंद आएगी और इसमें मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ जी के तो जल्दी से आप लोग सेशन में शामिल हो जाइए ताकि आज हम लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करें जीके जीएस में एकदम धुरंधर क्वेश्चन करें जो आपके एग्जाम में आएंगे और वो क्वेश्चन आपके हर एक एंट्रेंस एग्जाम में आप पूछे जाने वाले हैं तो प्लीज सेशन पे जल्दी से जल्दी आप लोग जोड़ जाइए आपका सेशन रेडी हो चुका है जल्दी जल्दी आप लोग सेशन पे आ जाइए आपका सेशन रेडी हो चुका है सेशन पे आप लोग आ जाएं जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी जल्दी आप लोग सेशन पे आ जाएं आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है जीएस का ये सेशन आपका एक शानदार सेशन है जो आपकी स्टार्ट हो चुका है तो प्लीज जल्दी से जल्दी सेशन में जुड़ना स्टार्ट करें प्लीज जल्दी जल्दी सेशन में जुड़ना स्टार्ट करें आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है ठीक है चलिए आपका सेशन रेडी है पॉलिटेक्निक आईटीआई जीके जीएस का ये सेशन है शानदार सेशन रहने वाला है और आपको मैं बताता चलूं कि जब हम आज पहले दिन ही क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो यानी इसका मतलब है कि तैयारी हम कितने बेहतरीन ढंग से करेंगे बिल्कुल टाइम नहीं गवाएंगे अच्छे से क्वेश्चन करेंगे और एक प्लानिंग वे में हम लोग चलेंगे पूरी जीके जीएस मैं आपकी कंप्लीट कराने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन ढंग से तो चलिए जुड़ जाइए सेशन के साथ जल्दी से सेशन के साथ जुड़ जाए आप लोग चलिए बिना टाइम गवाए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बिना टाइम गवाए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है तो एक बार फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे इसके साथ जुड़ जाएं हम लोग आज की बात एक मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करेंगे आज की बात एक मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करेंगे जल्दी से जल्दी एक बार सेशन को लाइक like शेयर कर दीजिए कि अगर आपको सफल होना चाहते हैं तो अपने काम में एकाग्रता लानी होगी आपको पता है कि बिल गेट्स का यह कहना है किसका कहना है बिल गेट्स का बिल मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा उस बंदे का यह कहना है जो कि बहुत ही क्लियर है बहुत क्लियर है कि अगर आपको सफल होना चाहते हैं

चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है शानदार क्वेश्चन है जल्दी से आंसर दीजिएगा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में बहती है कौन सी ऐसी नदी है जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में बहती है आंसर दीजिएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो बिटवीन द विंध्यन एंड सतपुड़ा रेंज विंध्य और सतपुड़ा रेंज के बीच में कौन सी नदी एक बहती है जल्दी से इसका आंसर देना शुरू करेंगे आप लोग फटाफट आंसर देना शुरू करेंगे शानदार तरीके से ठीक है जल्दी जल्दी सेशन पे सब लोग जुड़ जाओ एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दो जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग आपका सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है चलिए जल्दी जल्दी आंसर बताना शुरू करिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है नर्मदा दूसरा दिया है महानदी तीसरा दिया बेटा चौथा दिया है ये सॉरी ये ट्रांसलेशन गलत है सोन और चौथा है नेत्रावती चार नदियां आपके सामने दी गई कहा जा रहा है विंध्य और सतपुड़ा के बीच में से कौन नदी बहती है तो देखिए अगर हम ऐसे बात करें ये मैप है हमारा ठीक है तो ये जो नदियां हैं ये जो विंध्य और सतपुड़ा के बीच से जो बहती है नदी ठीक है विंध्य और सतपुड़ा रेंज के बीच से जो नदी बहती है ठीक है वो आपकी जो आपकी नदी है वो नदी है नर्मदा ठीक है विंध्य और सतपुड़ा रेंज के बीच से नदी बहती है जो कि आपकी नदी है नर्मदा अब नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है नर्मदा और तापी बेसिकली नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियां हैं जो नदियां ऐश्चुरी बनाती हैं ऐश्चुरी बनाती हैं यानी ऐश्चुरी बनाने का मतलब क्या है कि ये दोनों नदियां सीधा सीधा अरब सागर में गिरती हैं सीधा कहां गिरती है मेरे भाई सीधा अरब सागर में गिरती हैं सीधा अरब सागर में गिरती हैं अब हमें पता होना चाहिए कि अरब सागर किधर है इतना तो हमें मान के चलने पता होगा बट आपको नहीं पता है तो अगर ये इंडिया का मैप है तो ये इधर की तरफ जो है यह है अरब सागर पश्चिम की तरफ जो है वह है अरब सागर ठीक और पूर्व की तरफ जो है यह है बंगाल की खाड़ी यह क्या है मेरे दोस्त ये है बंगाल की खाड़ी है यह क्या है बंगाल की खाड़ी इधर की तरफ जो पहला ऊपर की नदी है नर्मदा और नीचे की तरफ है तापी नदी या ताप्ती नदी भी इसे बोलते हैं ये दोनों जो रिवर्स हैं ये गिरती ही कहां गिरती अरब सागर में गिरती हैं तो इसका आंसर आपका एकदम क्लियर हो गया कि नर्मदा इज द राइट आंसर नर्मदा रिवर इज द क्लियर कट आंसर ठीक है कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत कोई परेशानी तुरंत बता दीजिए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत बताइए जल्दी जल्दी सब लोग पे सेशन पे आ जाइए सेशन पे आ जाइए आपका सेशन रेडी है आपका सेशन रेडी है जल्दी जल्दी सब लोग सेशन पे जुड़ना स्टार्ट कर दीजिए आपकी पहली क्लास जीके जीएस की पहली शानदार क्लास आपके सामने आ चुकी है ठीक है सेकंड है केंद्रीय चावल अनुसंधान स्टेशन कहां स्थित है द सेंटर ऑफ द राइस रिसर्च एंड स्टेशन इज सिचुएटेड केंद्रीय चावल अनुसंधान स्टेशन कहां पर स्थित है जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है जल्दी से उत्तर बताइए जल्दी से उत्तर बताते चलिए बच्चा जल्दी से आंसर बताइए ठीक है चावल अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है तो देखिए अगर हम चावल के बारे में बात करेंगे राइस के बारे में बात करेंगे ठीक है तो राइस के बारे में अगर हम बात करें तो ये किसकी फसल है सबसे पहले मैं जानना ये खरीफ की फसल है खरीफ की फसल है खरीफ की फसल है ठीक है जो कब बोई जाती है जून माह में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में अक्टूबर नवंबर में इसकी क्या होती है कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में क्या होती है इसकी कटाई होती है ठीक इसके लिए जल की अधिक आवश्यकता पड़ती है जल की आवश्यकता यानी पानी की आवश्यकता होती है अधिक पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है ठीक और अगर हम चावल के उत्पादन की बात करें तो कौन सा राज्य नंबर वन पर है तो जी हां दोस्तों पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल चावल के उत्पादन में नंबर वन राज्य है साथ ही पश्चिम बंगाल में अगर हम राइस की बात करेंगे तो यहां पर क्या होता है यहां पर मोनोकल्चर भी इसको लेकर होता है मोनोकल्चर भी इसके लिए किया जाता है पश्चिम बंगाल में ठीक है अब यहां पर मेन सवाल पर आते हैं जहां पर पूछा गया है कि इसका रिसर्च सेंटर कहां है तो जी यहां दोस्तों इसका रिसर्च सेंटर है कटक में कटक कहां पड़ता है उड़ीसा में पड़ता है कटक कहां पड़ता है उड़ीसा में पड़ता है उड़ीसा में उड़ीसा में पड़ता है इसमें ठीक है और यहीं पर इसका चावल का अनुसंधान संस्थान है अब चावल के अनुसंधान संस्थान की हम लोगों ने बात करी तो हम बात कर लेते हैं एक दो और अनुसंधान संस्थान देख लेते हैं जैसे कि हम कॉफी का देख लेते हैं कॉफी का कि कॉफी का रिसर्च सेंटर कहां है कॉफी का रिसर्च सेंटर कहां है बता सकते हो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि कॉफी का रिसर्च सेंटर कहां है कॉफी का रिसर्च सेंटर कहां है जल्दी से जल्दी बताइएगा ठीक है तो यह है बेंगलुरु में कहां है बेंगलुरु में है और फिर अगर हम आपसे बात करें अगर हम आपसे बात करें कॉफी के अलावा आपके अलावा कॉफी के अलावा हम अगर आपसे बात करें तो मसाला का रिसर्च सेंटर कहां है मसाला का सेंटर कहां है तो आप क्या बताओगे आपको बताना है केरल में है सर कहां पर है केरल में ठीक अब आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं इसमें क्या आपको बताना है कि मसाले के उत्पादन में वर्तमान में कौन सा राज्य नंबर वन पर है मसाले के उत्पादन में वर्तमान में कौन सा राज्य है जो नंबर वन पर है जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कीजिएगा जल्दी जल्दी सेशन को एक बार शेयर कर दो सब लोग आपका जीके जीएस पॉलिटेक्निक की क्लास जबरदस्त तरीके से होने वाली है अगला है अगला क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा था संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी ठीक संस्कृत ग्रामर की रचना किसने की है आपको आंसर बताना है यहां साथ ही आपको आंसर बताना है कि संस्कृत व्याकरण की रचना किसने करी है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आंसर दीजिएगा आंसर दीजिएगा संस्कृत व्याकरण की रचना किसने करी अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृत व्याकरण की रचना किसने करी तो आपका जवाब यहां पर क्या होगा आपका जवाब होना चाहिए पाणिनी ठीक है कि सर पाणी ने करी ठीक लेकिन सर और भी ऑप्शन दिए हैं ठीक है और भी ऑप्शन दिए हैं तो इनको हम कैसे समझ सकते हैं सर और ऑप्शन दिए हैं इनको हम कैसे समझ सकते हैं तो चरक ने क्या लिखा चरक ने चरक संगीता लिखी चरक संगीता लिखी चरक ने क्या लिखा चरक संगीता लिखी ठीक आर्यभट्ट ने क्या लिखी आर्यभट्टीयम आर्यभट्टीयम की रचना किसने करी सर तो आर्यभट्टी की रचना किसने करी आर्यभट्ट ने करी भट्ट की रचना किसने करी आ भट्ट ने करी और जो है यह चीज आपको यहां पर पूरे तरीके से क्लियर हो चुकी है कालिदास की काल, कालिदास को क्या माना जाता है कालजई चिंतक माना जाता है कालजई कालजई चिंतक माना जाता है इन्होंने तो बहुत सारी रचनाएं करी थी कुमार संभवम मालविकाग्न मित्र इत्यादि इत्यादि अगला क्वेश्चन आता है अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा सबसे अंत में गंगा में मिलती है कौन सी जलधारा ठीक है अमंग फॉलोइंग हेड स्ट्रीम मीट्स गंगा इन लास्ट ठीक गंगा नदी में कौन सी जलधारा सबसे अंतिम में सबसे बाद में मिलती है जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आपके सामने है अलकनंदा पिंडर मंदाकिनी और भागीरथी चार नदियों का ऑप्शन आपके सामने है जबरदस्त तरीके से आंसर करिएगा ठीक है आप इसका आंसर करिएगा जल्दी से कि क्या इसका सही जवाब होने वाला है क्या इसका सही जवाब होने वाला है ठीक है जल्दी जल्दी उत्तर बताइएगा ठीक है तो जहां यहां दोस्तों इसका जवाब होगा भागीरथी नदी इसका जवाब क्या होगा भागीरथी नदी हो अब आपको बताना है अगर आपको बताना है कि हमें दक्षिण भारत की गंगा हम किसे बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलते हैं इसका जवाब देंगे आप गोदावरी आपको बताना है कि सोन कोसी चलो कोसी के बारे में पूछते हैं कोसी को किस राज्य का शोक बोला जाता है किस राज्य का शोक यानी सौरभ बोला जाता है तो आपको जवाब बताना है कि कोसी जो नदी है इसको हम बोलते हैं बिहार का शोक और एक नदी और है सर उसको किस राज्य का शोक बोलते हैं दामोदर नदी दामोदर नदी को किस राज्य का शोक बोलते हैं सर तो इसको हम बोलते हैं वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल का यानी कि पश्चिम बंगाल का सेम शोक बोलते हैं किस किस राज्य का पश्चिम बंगाल का शोक बोलते हैं जल्दी जल्दी एक बार सेशन को शेयर कर दो सब लोग फटाफट सेशन को शेयर कर दो ताकि हर एक बच्चे तक यह सेशन जुड़ जाए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा द मेटल हुज सॉल्ट आर द सेंसिटिव टू लाइट इज वह धातु जिसके लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं कौन सी धातु है जिसके जो है जो लवण है प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं ठीक है आपको इसका जवाब बताना है तो आपके सामने ऑप्शन है जिंक सिल्वर चांदी जिंक तांबा और एल्यूमिनियम ठीक है तो इसका जवाब बहुत ही क्लियर कट है इसका जवाब है चांदी ठीक है चांदी इसका जवाब है अब चांदी क्या, क्या होती है विद्युत की सुचालक होती है क्या होती है विद्युत की सुचालक होती है इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है कि अगर आप चांदी में करंट चांदी करंट आपको देगी ठीक है चांदी क्या करेगी करंट मारेगी ठीक है लकड़ी क्या होती कुचालक होती विद्युत का अगला क्वेश्चन है पतंजलि ने निम्नलिखित में से किसके संकलन के लिए वो प्रसिद्ध हैं मतलब उनको हम किस बात के लिए बहुत ज्यादा फोकस तरीके से मानते हैं पतंजलि को पतंजलि को हम किस बात के लिए सबसे ज्यादा फोकस तरीके से मानते हैं क्वेश्चन नंबर छह आपके सामने क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है पतंजलि को हम किस बात के लिए जो है इंपॉर्टेंट मानते हैं उन्होंने किस बात की रचना करी थी किस ग्रंथ की रचना करी थी बेसिकली जल्दी जल्दी उत्तर बताते चलेगा मेरे दोस्त मेरे भाई सब लोग जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दो जीके जी में जबरदस्त सेशन आपको यह मिलने वाला है ठीक है तो ये जो है योग सूत्र की, की? की रचना उन्होंने करी थी किसकी करी थी योग सूत्र की रचना करी थी किसकी योग सूत्र की योग सूत्र की रचना उन्होंने करी थी ठीक है योग सूत्र की बहुत बढ़िया अगला है अगला है लूनी नदी पुष्कर के पास से निकलती है और निम्नलिखित में से किस में गिरती है जो लूनी रिवर है वो पुष्कर के पास निकलती है और कहां पर गिरती है ठीक तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ठीक है कहां पर गिरती है लूनी नदी ठीक है तो देखिए सबसे पहले अगर हम पुष्कर की बात कर लेते हैं तो पुष्कर बहुत ही ज्यादा धार्मिक उसमें फेमस है क्योंकि यहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर है ब्रह्मा भगवान का मंदिर है आपको बता दें ब्रह्मा जी का एकमात्र यह भारत का एकमात्र मंदिर है भारत में ब्रह्मा भगवान जी का एकमात्र मंदिर है एकमात्र मंदिर है सबसे पहले अब ये कहां गिरता है तो ये बच्चा गिरता है कैम्बे की खाड़ी में कहा गिरती है ये गिरती है गल्फ ऑफ कैम्बे में गल्फ आप कैम्बे में गिरती है ठीक है अगर हम ऐसे करेंगे तो यहां पर आपको इसकी लोकेशन मिल जाएगी कैम्बे की खाड़ी में गिरती है ठीक है जो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में बेसिकली पड़ती है जो गुजरात और मुंबई के बेसिकली बीच में गिरती है ठीक है तो आप इसका जवाब आपको पता है कि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती सॉरी कैम्बे की खाड़ी में अब और दूसरा ऑप्शन है कच्छ रण ये कहां है गुजरात में है गुजरात में क्या कब पाया जाता है जंगली गधा जंगली गधा भी गुजरात में पाया जाता है ठीक गुजरात के केवड़िया में क्या है स्टैचू ऑफ यूनिटी है स्टैचू ऑफ यूनिटी है यहां पर ठीक है अरब सागर आपको पता है कि अरब सागर में जो है अभी मैंने आपको बताया कि दामोदर और जो है तापी और तापी नदी बहती है सांभर झील ये कहा है राजस्थान में है यह क्या है खारे पानी की झील है यह क्या है राजस्थान की खारे पानी की झील है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है कौन सी नदी जो है पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है जल्दी जल्दी उत्तर बताते चलिएगा जल्दी जल्दी उत्तर बताते चलिएगा दोस्तों सब लोग सेशन पे आ जाओ सब लोग सेशन पे आ जाओ और एक बार जबरदस्त तरीके से सेशन को शेयर कर दो सब लोग सेशन पे आ जाओ और जबरदस्त तरीके से सेशन को शेयर करो कौन सी नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है क्वेश्चन आठ नंबर आपके सामने है पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती ऑप्शन आप आपके सामने है पिन्नार कावेरी कृष्णा तापी ठीक है कावेरी कृष्णा तापी ठीक है चलिए आंसर बताइएगा तो इसका आंसर क्या रहने वाला है जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर दीजिएगा जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर दीजिएगा फटाफट आंसर देते चलिए एक बार जल्दी जल्दी सभी सभी बच्चा आंसर देते चलिए आपका सपना कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना हो अगर आप हमारी जीके जीएस की क्लास में आते हैं तो आपको वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिलेगा जो आप किसी भी जीके जीएस की क्लास में बिहार में किसी भी स्टेट में आपको भरपूर उसका फायदा होगा यह गारंटी मैं देता हूं ठीक है तो ये इसका जवाब होगा कावेरी अब आपने कावेरी जल विवाद के बारे में सुना होगा कावेरी जल विवाद के बारे में सुना होगा क्योंकि तीन से चार राज्यों के बीच का जल विवाद है ठीक है वाटर डिस्प्यूट है ठीक है अब हमें जानना है कि जो ये जल विवाद क्यों है भैया देखो जब हम बरसा पड़ते हैं तो हम देखते हैं कि गंगा नदी इधर से निकलती है पश्चिम बंगाल में गिर जाती है लेकिन जो दक्षिण भारत है दक्षिण भारत की जो नदियां हैं दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो सदा नीरा नहीं है सदा नीरा नहीं है यानी वहां हमेशा पानी नहीं होता है हमेशा वहां वर्षा नहीं होती है क्योंकि जो यहां वर्षा होती है वो इधर की तरफ निकल जाती है पश्चिमी घाट के सारे सारे तो यहां पर दक्षिण भारत में क्या होता है बांधों से सिंचाई होती है बांधों का प्रयोग करके जल रोका जाता है इसलिए एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच विवाद बना रहता है कर्नाटक केरल ठीक इन सब के बीच में ये बेसिकली डिस्प्यूट बना हुआ है पुडुचेरी इन सब के बीच में ये डिस्प्यूट बना हुआ है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन लाता हूं दोस्त कहा गया जौ उत्पादन में सबसे अधिक देश कौन सा है कौन सा राज्य है जो जौ का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है जौ का उत्पादन कौन सा करता है जल्दी से बताइएगा कौन सा राज्य है जो जौ का उत्पादन करता है काफी ठीक है तो देखिए जौ क्या है जौ को सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये क्या है ये मोटा अनाज है जौ क्या है एक मोटा अनाज है ठीक अगर हम भारत की बात करें कि यार ये भारत में कहा होता है ये वैसे सबसे ज्यादा तो रशिया में होता है पहले मैं आंसर बता देता हूं टू बी क्लियर सबसे पहले मैं आंसर बता देता हूं रशिया में होता है लेकिन अगर हम भारत की बात करें की तो ये भारत में होता है राजस्थान में होता है राजस्थान में होता है ठीक जव का उत्पादन रूस में सबसे ज्यादा होता है इसका प्रयोग किसके करते हैं इसका प्रयोग वाइन बनाने में करते हैं शराब बनाने में इसका प्रयोग करते हैं शराब बनाने में प्रयोग करते हैं ठीक अब आपका रूस के सामने आ गया तो रूस और जो है आपको पता है रूस और यूक्रेन के बीच में दो साल से बच्चा रूस और यूक्रेन के बीच दो वर्ष से विवाद चल रहा है डिस्प्यूट चल रहा है जिसकी वजह से इनके बीच में वार चला चल रहा है युद्ध की स्थिति चल रही है है ना आपको ये क्लियर रहना चाहिए रूस की राजधानी क्या है कमेंट करके आप हमें बताइए रूस की राजधानी क्या है मेरे दोस्त आप कमेंट करके हमें बताइए जल्दी जल्दी एक बार सेशन को शेयर कर दो रूस की राजधानी क्या है एक बार हमें, हमें कमेंट करके बताएंगे ठीक है और अगर हम बात करेंगे बर्खो यास्क की आपने अगर नाम सुना हो बर्खो यास्क का बर्खो यास्क का नाम सुना है यह क्या है ये सर्वाधिक ये रूस में ही पड़ता है सर्वाधिक ठंडा है सर्वाधिक ठंडा प्रदेश है दुनिया का बर्खो यास्क ये क्या है सर्वाधिक ठंडा प्रदेश है कोल्डेस्ट ऑफ द कोल्डेस सबसे ज्यादा ठंडा प्रदेश यही है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन आ गया सुनामी किसके कारण नहीं होती है ठीक तो सबसे पहले हम सुनामी की बात करते हैं तो इसका बेसिक समझ लेते हैं सुनामी क्या है सुनामी ऐसे लिखा जाता है सबसे पहले तो एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है तो ये जापानी भाषा का शब्द है किस भाषा का शब्द है मेरे दोस्त जापानी भाषा का शब्द है ठीक ये किस भाषा का शब्द है जापानी भाषा का शब्द है सुनामी ठीक है सुनामी किस भाषा का शब्द है तो ये ये बेसिकली जापानी भाषा का शब्द है ठीक है किस कारण से नहीं होता है ठीक है तो इसका जवाब है तूफान भूकंप समय के साथ समुद्र के नीचे भूस्खलन या ज्वालामुखी विस्फोट तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा हरिकेन हरिकेन तूफान के कारण ये उत्पन्न नहीं होते हैं सोनामी तूफान के कारण उत्पन्न नहीं होते हैं ठीक है क्लियर है अगला है चंबल नदी किसका भाग है बहुत प्यारा क्वेश्चन है चंबल नदी किसका भाग है जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिएगा जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिएगा मेरे दोस्त एक बार सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर लाइक कर दीजिए फटाफट एक बार सेशन को शेयर लाइक कर दीजिए अच्छा क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है तो इसका जवाब हुआ साबरमती बेसिन गंगा बेसिन नर्मदा बेसिन या गोदावरी बेसिन तो इसका जो आंसर होने वाला है वह वो क्या होगा होगा हो नर्मदा बेसिन क्या होगा नर्मदा बेसिन इसका सही जवाब होगा ठीक है क्या सही जवाब होगा नर्मदा बेसिन इज द राइट आंसर नर्मदा बेसिन इसका एकदम सही जवाब होगा चलो ठीक है अगला क्वेश्चन आपके सामने डीडीटी वाज डीडीटी वाज इन्वेंटेड बाई डीडीटी की खोज किसके किसने करी थी या डीडीटी के आविष्कारक कौन है जल्दी से उत्तर बताइएगा तो पहले तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए तो इसका फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल डायफिनाइल डाईक्लोरो डाईफिनाइल ठीक है अब इसका आंसर आपको बताना है कि इसका इसकी खोज किसने करी थी जल्दी से उत्तर बताइएगा जल्दी से उत्तर बताइएगा फटाफट आंसर आंसर बताइएगा जल्दी से इसकी खोज किसने करी थी मोजलो ने किसने करी थी भाई मोजलो ने इसकी खोज करी थी एकदम सही जवाब है एकदम इसका सही जवाब है अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपके सामने है ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है ज्वालामुखी विस्फोट कहां नहीं होता है जल्दी से जल्दी बताइएगा कि ज्वालामुखी विस्फोट कहां नहीं होता है देखिए अगर हम बात करेंगे ज्वालामुखी की ठीक है तो ज्वालामुखी जैसे ये मान लो सरफेस है ये परत है तो ये पृथ्वी के ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है तो यहां पर जहां भी क्रैक होगा या जहां भी मूवमेंट होगा वहां से ये ज्वालामुखी ऐसे ऐसे फटता है एक यहां क्या बनता है क्रेटर बनता है ठीक उसमें क्या बनता कालडेरा बनता है ठीक है तो इस तरीके से इसको हम देखते हैं इसका आंसर बताओ बाल्टिक सागर काला सागर कैरेबियन सागर या कैस्पियन सागर क्या इसका सही जवाब होगा जल्दी से उत्तर बताओ ठीक है तो जी हां दोस्तों बाल्टिक सागर में बाल्टिक सी में यह नहीं होता है ज्वालामुखी विस्फोट कहा होता है इन ऑप्शंस में से बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी विस्फोट बिल्कुल भी नहीं होता है बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने इसका आंसर दीजिएगा सिंधु नदी का उद्गम सिंधु नदी का उद्गम स्थल है सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है जल्दी से उत्तर बताइएगा तेरह नंबर क्वेश्चन सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है जल्दी से उत्तर बताइएगा सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है जल्दी से उत्तर बताइएगा सिंधु नदी का उद्गम स्थल ठीक है सिंधु नदी कहां से निकलती है तो सिंधु नदी निकलती तिब्बत से कहां से निकलती तिब्बत से निकलती सिंधु नदी ठीक है इंडस रिवर कहां से निकलती है तिब्बत नदी से निकलती है ठीक है तिब्बत से निकलती है एकदम इजी क्वेश्चन अगला प्रश्न आपके सामने है अगला प्रश्न आपके सामने सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जल्दी से उत्तर दीजिएगा सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो अगर हम सबसे गर्म ग्रह की बात करेंगे तो है शुक्र शुक्र को सबसे ज्यादा वीनस को सबसे ज्यादा गर्म ग्रह बताया जाता है सौर मंडल का ठीक है और जो शुक्र को क्या बोला जाता है शुक्र को पृथ्वी की बहन पृथ्वी की बहन कहते हैं सिस्टर ठीक है पृथ्वी की बहन कहते हैं ठीक है सर्वाधिक उपग्रह अगर पूछ ले क्वेश्चन सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं तो सर्वाधिक उपग्रह है होते हैं सनी के हो गए हैं बृहस्पति की जगह अब इसका जवाब क्या होगा सनी का होगा सनी का ठीक है सनी इसका जवाब होगा अगला है चंबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी में मिलती है विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज द चंबल रिवर मर्ज चंबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी में मिलती है क्वेश्चन नंबर सोलह आपके सामने है चंबल नदी किस नदी के साथ मिलती है ठीक है चंबल नदी किस नदी के साथ मिलती है तो आपका जवाब क्या होगा बनास गंगा नर्मदा यमुना तो चंबल नदी किस नदी के साथ मिलती है भैया चंबल के डाकुओं के बारे में तो सुना ही होगा ना चंबल के डाकू हैं तो चंबल नदी मिलती है बच्चा यमुना में मिलती है ठीक है यमुना नदी में मिलती है किस रिवर में मिलती है यमुना में और जो यमुना नदी है यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी नदी है वो है यमुना नदी यमुना रिवर ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इज द राइट आंसर डी इसका सही जवाब हो जाएगा अगला प्रश्न आपके सामने है इसका आंसर देंगे भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहां शुरू हुई यानी कि जो लाइट सप्लाई है वेयर वाज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया भारत में विद्युत सप्लाई सबसे पहले किस राज्य में या किस स्थान पर शुरू हुई जल्दी से इसका उत्तर बताइएगा ऑप्शन आपके सामने है मुंबई देहरादून दार्जिलिंग चेन्नई जल्दी जल्दी उत्तर बताइएगा विद्युत सप्लाई सबसे पहले कहां स्टार्ट हुई अब आपका जवाब का इंतजार है जल्दी जल्दी उत्तर बताइएगा देखते देखते हैं हैं क्या आंसर आप लोग देते हो देखते हैं आप लोग क्या आंसर देते हो जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा जो विद्युत सप्लाई है सबसे पहले कहां पर हुई थी अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे इसका जवाब होगा दार्जिलिंग क्या जवाब होगा दार्जिलिंग इज द राइट आंसर ठीक दार्जिलिंग की टी काफी फेमस है टी फेमस है प्रसिद्ध है इसकी चाय काफी प्रसिद्ध है ठीक है दार्जिलिंग की चाय काफी प्रसिद्ध है याद रखिएगा अगला है अमरावती भवानी हेमावती काबिनी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं ठीक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैंने पढ़ाया पेड़ में भवानी हेमावती काबिनी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं ठीक है किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं तो देखिए अगर हम इनकी सहायक नदियों की बात करेंगे तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत दक्षिण भारत की जैसे आप बात करोगे गोदावरी कावेरी कृष्णा ठीक है ये बेसिकली तीनों कहां की दक्षिण भारत की नदियां हैं दक्षिण भारत की नदियां हैं इसका जवाब तो बहुत ही क्लियर है इसका जवाब है कावेरी नदी क्या होगा कावेरी नदी कावेरी नदी इसका सही जवाब होगा सी इज द राइट आंसर मेरे दोस्त इसका क्या जवाब होगा काबेरी नदी होगा सी इज द राइट आंसर ठीक है और काबेरी नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक नदी है ठीक है और तीनों नदियां कहां की हैं तीनों नदियां कहां की है ये बेसिकली दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं और ये गिरती कहां है ये सारी नदियां कहां गिरती बंगाल की खाड़ी में ये कहां गिरती है भाई ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है कहां गिरती है बंगाल की खाड़ी में अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण योजना से संबंधित है भारत निर्माण योजना पहले का क्वेश्चन आ गया काफी पहले का क्वेश्चन आ गया देखिए जो भारत निर्माण है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बहुत मजेदार क्वेश्चन है देखिए जो भारत निर्माण प्रोग्राम है ये 2005 में आया था पहली बात कांग्रेस सरकार में इसमें कुछ पांच छह बातें शामिल थी 2005 का प्रोजेक्ट है इसमें पांच छह बातें शामिल हैं जैसे बिजली पानी सिंचाई की सुविधा दूर संचार टेलीकम्युनिकेशन और ग्रामीण सड़क या ग्रामीण आवास ठीक 2005 का प्रोग्राम था ये जरूर याद रखेगा इतना डिटेल नहीं पूछेगा 2005 का जो है प्रोग्राम था आंसर दीजिएगा इसका ठीक तो जाहिर सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ये सारी चीजें किससे रिलेट करती है बुनियादी ढांचे के विकास से बुनियादी ढांचे विकास में यही सारी चीजें तो चाहिए अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कौन सी प्रायद्वीपी नदी का मौसम प्रवाह सबसे कम है ठीक कौन सी पेनेसुलर रिवर है जिसका जो प्रवाह है वो सबसे कम है मतलब सबसे कम दूरी तक वो जो है प्रवाहित होती बहती है ठीक है आपके सामने ऑप्शन है नर्मदा कृष्णा गोदावरी कावेरी चार ऑप्शन है विच पेनासुलर रिवर लीस्ट सीजनल इन ठीक है ऑप्शन का जवाब दीजिएगा हाँ इसका आंसर क्या होगा गोदावरी नदी होगा क्या होगा गोदावरी रिवर गोदावरी नदी का जो फ्लो है वो सबसे छोटा है सबसे कम है ठीक है याद रखिएगा गोदावरी नदी अगर आप बात करोगे तो ये जो तीनों नदियां हैं ये कहां गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं ये तीनों नदियां कहां गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं नर्मदा एक ऐसी नदी है जो कहां गिरती है जो अरब सागर में गिरती है नर्मदा एक ऐसी नदी है जो कहां गिरती है अरब सागर में गिरती है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है विच वन ऑफ द फॉलोइंग द पोर्ट्स इज द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया ठीक है भारत का इन इन विकल्पों में से सबसे पुराना पोर्ट या बंदरगाह कौन सा है ठीक है आंसर दीजिएगा आंसर बताइएगा आपके सामने बुम्बई बंदरगाह मुंबई बंदरगाह ये पहला ऑप्शन चेन्नई कोलकाता और विशाखापत्तनम तो आपका जवाब क्या होगा सर चेन्नई बंदरगाह चेन्नई पोर्ट ठीक चेन्नई बंदरगाह अब आपको यहां पर एक एक दो चीजें और बताते चलें जो सबसे ज्यादा एक्टिव बंदरगाह है ठीक है वो आपको यहां पर आपको सबसे बड़े में आपको यहां पर देखने को मिलेगा गुजरात के बंदरगाहों में कलकत्ता के बंदरगाहों में चीन का जो कोचीन का जो बंदरगाह है केरल का ये सारे प्रमुख बंदरगाह हैं जहां पर सबसे ज्यादा आवागमन होता है सबसे ज्यादा यहीं पर, पर आवागमन होता है अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर निर्माण करती हैं ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अलग नंदा और नदी नदियां मिलकर गंगा का निर्माण करती हूँ उसे हम कौन से स्थान बोलते हैं तो गंगा यानी कि देव देव यानी कि ईश्वर से जुड़ा हुआ नाम है तो इसका जवाब क्या हो जाएगा इसका जवाब होगा देव प्रयाग इसका आंसर क्या होगा देव प्रयाग इज द राइट आंसर देव प्रयाग इसका सही जवाब होगा ठीक निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है ठीक परमाणु एनर्जी सेंटर इनमें से कौन सा एक नहीं है ठीक है तो देखिए नरोरा है नरोरा यूपी में है कोटा राजस्थान में है ठीक काकरापारा भी है ठीक है चमेरा इसका सही जवाब नहीं है चमेरा में कोई भी सेंटर नहीं है ठीक है चमेरा में कोई भी सेंटर नहीं है काकरापारा तमिलनाडु ठीक है चमेरा में कोई भी जो है इस तरीके का सेंटर नहीं है ठीक है तो आज के जब आपने प्रश्न करे हैं तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये बहुत ही वैल्यूएल शानदार प्रश्न लगे होंगे जहां से आपको ज्यादा से ज्यादा मदद मिलेगी ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिलेगी आपका एग्जाम क्रैक करने की आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जीके जीएस में तो आप डेली हमारे सेशन के साथ जुड़े ताकि आप अपनी सफलता अर्जित कर सके क्योंकि हर जीके जीएस के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको पता है और शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपके लिए डेली सुबह सात बजे क्लास लेकर आऊंगा तो जरूर इस सेशन के साथ जुड़िए और अगर आपको हमारा कोर्स लेना है तो आप बिल्कुल आप जो है हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं बिल्कुल आप जुड़े हमारे सेशन के साथ डेली पहले सात बजे हम लोग लाइव आए आएंगे फ्री में तो आप इसके साथ जरूर जुड़िए ठीक है थैंक यू वेरी मच जय हिंद मिलते हैं कल सुबह सात बजे